हेलो गुड इवनिंग, मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को एक नया पॉइंट पढ़ाने वाला हूं। और वो पॉइंट है अपने पास ट्रेपेजियम। जैसा आप लोगों को पता है 6 बजते आपको थोड़ा वेट भी रहता होगा, इवनिंग में मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आता हूं 6 o'clock पर। तो मैं आपको बता रहा था कि ट्रेपेजियम होता क्या है। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसके अपोजिट साइड पैरेलल हो, दो साइड तो पैरेलल हो और दो साइड पैरेलल नहीं हो, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेपेजियम या समलम चतुर्भुज। इस पर बेस्ड काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाते हैं, काफ़ी सही क्वेश्चंस पूछता है और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी लोग कोशिश करना समझने की, इसको ढंग से समझना आप लोग। जैसे 4 क्वाड्रिलेटरल थे अपने पास, पहला मैंने आपको पढ़ाया था ट्राइंगल, फिर आपको पढ़ाया पैरेललोग्राम, फिर आपको पढ़ाया रेक्टेंगल के बारे में और फिर आप लोगों को कल की क्लास में मैंने पढ़ाया रोम्बस के बारे में, सम चतुर्भुज के बारे में। तो वो लगभग सारे सेम ही थे, 10 या 11 पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा था और वो लगभग पॉइंट्स सेम थे। आज थोड़ा सा ये जो अपने पास है ये थोड़ा अलग पॉइंट है, तो इसको समझने की शुरुआत कीजिए, ट्रेपेजियम या समलम चतुर्भुज। ट्रेपेजियम या समलम चतुर्भुज होता क्या है। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसके दो साइड पैरेलल हो, ए बी सी और डी, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसके दो साइड तो पैरेलल हो और दो साइड पैरेलल नहीं हो, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेपेजियम या समलम चतुर्भुज। अब कभी 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 कभार आपके सामने नाम आएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम या समद्विबाहु समलम चतुर्भुज। तो ध्यान रखना, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके दो साइड तो पैरेलल हो और बची हुई जो अनपैरेलल साइड्स हैं, दो साइड पैरेलल होंगी और बची हुई जो अनपैरेलल साइड्स हैं वो अपने पास दोनों अगर इक्वल हों तो उसका जो नाम होता है वो होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। समद्विबाहु समलम चतुर्भुज अगर कभी भी अपने पास दो अनपैरेलल साइड्स अगर बराबर हैं तो उसका नाम होता है समद्विबाहु समलम चतुर्भुज, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। मैं आज की क्लास में आपको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आज की क्लास में आपको ट्रेपेजियम पढ़ा रहा हूं जिसकी ये दोनों साइड बराबर नहीं है। ऐसा ट्रेपेजियम पढ़ा रहा हूँ जिसकी दोनों साइड इक्वल नहीं है, उसको हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। और जितना भी ट्रेपेजियम एसएससी के लिए और किसी भी कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है वो सारे पॉइंट मैं इस चैनल पर इस वीडियो में आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ। तो साथ साथ आप लोग जहाँ पर भी बैठे हैं, जहाँ भी आप लोग बैठे हैं, साथ साथ आप लोग अपनी नोटबुक और पेन साथ रखिए जिससे ये नोट्स आप लोग बनाते रहो। जब भी मैं पूछूं समझ में आया नहीं आया, जहाँ भी आप लोग बैठे हैं हाँ ना ये आपको बोलना है, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा और मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और वीडियोज़ अगर आप लोगों को थोड़े सही लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं कि थोड़ा सही मिल रहा है, एक ही जगह सारा का सारा कॉम्पिटिशन का मैथ्स मुझे मिल रहा है, तो आप लोग साथ साथ कॉमेंट जरूर करते रहिए जिससे मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है, अच्छा लगता है, मुझे पता भी लगता रहता है कि हाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनका फायदा हो रहा है। तो कमेंट साथ आप लोग करते रहिए। देखिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रेपेजियम या समलम चतुर्भुज के बारे में जिसकी साइड पैरेलल नहीं है। ट्रेपेजियम हम लोग पढ़ रहे हैं, आइसोसेलेस नहीं पढ़ रहे हैं। ये तो मैंने एक बार बता दिया कि कभी नाम आ जाए आइसोसेलेस, अचानक देखो कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या नाम आ गया। समद्विबाहु समलम क्या होता है, तो दो अनपैरेलल साइड्स अगर बराबर हैं तो उसको बोलते हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं और इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग समझेंगे, तो आप लोग कोशिश करना समझने की और ध्यान रखना बोर्ड पर। पढ़ने का तरीका आपको मैं बता चुका हूँ, पेन और नोटबुक हमेशा साथ रखो, वीडियो चलता रहने दो, साथ साथ लिखते चलो। जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो और साथ साथ नोट्स भी बन गया, वीडियो चलने दो, साथ साथ देखते चलो और नोट्स पढ़ते चलो, उसके बाद वीडियो हमेशा के लिए बंद करो और वो नोट्स कंप्लीट रखना। और जितना भी अपने पास समलम चतुर्भुज होता है उसके सारे नोट्स अब आपके पास हैं, उसको आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए, इस प्रकार से अपने पास ट्रेपेजियम या समलम चतुर्भुज जिसकी दो साइड अपने पास पैरेलल हो, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल और दो साइड पैरेलल नहीं हो। ध्यान रखना, ये ए बी सी और डी, ये यहां से अपने पास इसका डायगोनल और यहां से इसका डायगोनल अगर मिला दिया जाए और ये अगर पॉइंट ओ पर मिले, इसके डायगोनल्स अगर मिला दिए जाएं और ये अगर पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करें, तो एक बात ध्यान रखना, ए डी ओ अपॉन ओ बी
डी ओ अपॉन ओ बी जो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है, डी ओ अपॉन ओ बी ऑलवेज इक्वल होगा सी ओ अपॉन ओ ए के। क्यों होगा? कम से कम, आपको ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 7 या 8 बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर कभी भी दो लाइन ऐसे पैरेलल हों, दो लाइन अगर पैरेलल हों, इसको इससे मिला दिया जाए और इसको इससे मिला दिया जाए, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलर क्यों हो जाते हैं? ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, जब भी जेड बन रहा है पैरेलल लाइन से बराबर होते हैं, तो ये इसके बराबर, ऐसे ही ये अपने पास इसके बराबर, और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो सिमिलर होते ही भुजाएं समान अनुपात में। तो ध्यान रखना सबसे पहला पॉइंट, ये आप लोग याद रखना पहला पॉइंट, क्योंकि ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये एंगल अगर वाई है तो ये भी वाई होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है, और ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो हमेशा और हमेशा बराबर होते हैं, ऐसा आप लोगों को पता होगा। बराबर होते ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर, सिमिलर होते ही भुजाएं समान अनुपात में, याद रखना। दूसरा जो पॉइंट है ये आप लोग ध्यान रखना, ए ओ डी का जो क्षेत्रफल होता है बी ओ सी के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ट्रायंगल ए ओ डी का एरिया बराबर होगा ट्रायंगल बी ओ सी के क्षेत्रफल के, ये दोनों ऑलवेज इक्वल होते हैं, दूसरा पॉइंट याद रखना। क्यों होते हैं मैं समझा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों का क्षेत्रफल, कभी होता तो आसान ही है, अभी मैं समझा दूंगा समझ में भी आ जाएगा, होता आसान है लेकिन आप लोगों के अचानक दिमाग में नहीं आता जब आप लोग एग्जाम में बैठे रहते हो। तो याद रखना ए ओ बी का जो क्षेत्रफल है, ए ओ डी का क्षेत्रफल बी ओ सी के क्षेत्रफल के बराबर क्यों होता है, मैं समझाता हूँ आप लोगों को। देखो अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको क्वेश्चन लिखवा कर भी करवाने वाला हूँ, अचानक से क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि दो पैरेलल लाइन्स हैं ये इस प्रकार से, इससे इसके फुट पॉइंट को मिला दिया जाए, इससे इसके फुट पॉइंट को मिला दिया जाए, इस प्रकार से मिला दिया गया, इसका क्षेत्रफल 16 है, इसका क्षेत्रफल 4 है, तो इसका एरिया बताइए, आसान सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। और जब तक ये पॉइंट्स आपके कंप्लीट नहीं पढ़े हुए होते, अगर ढंग से आपका नहीं पढ़ा हुआ है तो इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं कर पाते। तो मैं आपको एक बार समझाता हूँ, पहले बेसिक थ्योरी समझाता हूँ, फिर इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर कोशिश करना समझने की कोशिश करना, ध्यान देना आप लोग, इस प्रकार से मैंने बताया है कि कोई भी अपने पास समलम चतुर्भुज है ए बी सी और डी, कोशिश करना सभी लोग समझने की, सभी को समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दो पैरेलल लाइंस के बीच, याद रखना दो पैरेलल लाइंस के बीच और ए के आधार पर, दो पैरेलल लाइंस के बीच और ए के आधार पर कितने भी ट्रायंगल बना लो उनका एरिया हमेशा बराबर बराबर होता है। दो पैरेलल लाइंस के बीच और ए के आधार पर कितने भी ट्रायंगल आप लोग बना लीजिए उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर बराबर होता है। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस तो हमेशा सेम होनी है, और बेस मैंने खुद ने सेम बोल दिया, मेरी लैंग्वेज सुनो, दो पैरेलल लाइंस के बीच और ए के आधार पर, आधार मैंने सेम बोल दिया, पैरेलल लाइंस के बीच हाइट हमेशा सेम होनी है, और एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसके एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अपने पास ये जो आ गया है, सभी का बेस सेम मैंने बोल दिया है, हाइट अपने पास सेम होनी है, तो एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कोशिश करना समझने की, यहाँ से अगर मैं, मुझे ये बताओ दो पैरेलल लाइंस, ट्रेपेजियम होता ही वही है, समलम चतुर्भुज होता ही वही है जिसमें दो साइड पैरेलल हों, अगर मैं एक ट्रायंगल इस प्रकार से बना दूं तो मुझे बताओ ट्रायंगल ए सी बी का क्षेत्रफल और ट्रायंगल बी डी ए का क्षेत्रफल क्या बराबर होगा? क्या दो पैरेलल लाइंस के बीच और ए के आधार पर, आधार सेम है ए बी, इधर भी आधार सेम है ए बी, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ध्यान रखना ए ओ बी का जो क्षेत्रफल है, ट्रायंगल ए ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके? ट्रायंगल ए डी सी के क्षेत्रफल के। क्यों होगा बताओ? क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच, थोड़ा सा मैं आराम आराम से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, दो पैरेलल लाइंस के बीच और ए के आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। पैरेलल लाइन है, आधार सेम है, तो चाहे ये वाला ट्रायंगल हो ये वाला ट्रायंगल हो, मुझे ये बताइए दोनों में से आप लोग माइनस कर दो, इधर से भी ट्रायंगल ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस कर दो,
अगर दोनों बराबर हैं तो सेम चीज़ माइनस कर सकते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी का क्षेत्रफल जो है वो माइनस कर दो, और इधर से भी ट्रायंगल ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस कर दो। ये कॉमन है बीच में, ए ओ बी इसके साथ भी है और ए ओ बी इसके साथ भी है, माइनस कर दोगे तो माइनस करते ही अपने पास इधर जो बचेगा वो तो बचेगा ट्रायंगल ए ओ डी का क्षेत्रफल। ये जो इधर बचेगा वो बचेगा ट्रायंगल ए ओ डी का क्षेत्रफल, और इधर जो बचेगा अपने पास वो बचेगा ट्रायंगल बी ओ सी का एरिया, और यही पॉइंट मैंने लिखवाया है ट्रायंगल ए ओ डी का क्षेत्रफल और ट्रायंगल बी ओ सी का क्षेत्रफल, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं वापस चेक कर लेता हूँ, एक है ए सी बी और दूसरा है ए डी बी, ए डी बी कर लेना इसको, है ना। कभी कभार लिखने में, क्योंकि बार बार पढ़ाते रहते हैं तो कई बार लिखने में मिस्टेक हो जाती है, बोलूँगा मैं सही, कभी कभार लिखने में मिस्टेक हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग वहाँ पर कि सर ये क्या लिख दिया ये लिख दिया, छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, आप लोगों से भी हो जाती हैं कई बार। बोलूँगा मैं सही ए डी बी, और मैं से ए ओ बी माइनस कर लिया तो अपने पास बचा ए डी बी, ये ए डी बी में से अगर ए ओ बी माइनस कर लें, और इधर अगर हम लोग ए सी बी में से ए ओ बी माइनस कर लें तो इधर तो बचेगा बी ओ सी का क्षेत्रफल, ये बचेगा बी ओ सी, इधर है ना, उल्टा माइनस कर दिया मैंने, और इधर जो बचेगा अपने पास ये बचेगा, जब माइनस करोगे आप लोग ए डी बी में से माइनस करोगे ए ओ बी, तो इधर बचेगा ए डी बी का क्षेत्रफल। तो याद रखना बी ओ सी का क्षेत्रफल जो होता है, बी ओ सी का क्षेत्रफल ए, बार 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 गलती हो रही है आज तो इस क्लास में, बी ओ सी का जो क्षेत्रफल, इधर से बचेगा बी ओ सी और इधर से बचेगा ए ओ डी, ध्यान रखो बार बार गलती पता नहीं क्यों हो रही है, ए ओ डी का क्षेत्रफल, ए ओ डी का क्षेत्रफल, इस वाले भाग का क्षेत्रफल, जब आप लोग ए डी बी में से माइनस कर दोगे ए ओ बी तो सिर्फ बचेगा ए ओ डी इसका क्षेत्रफल, और इधर बी ओ सी इनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो जो दो पैरेलल लाइंस हम लोग खींचे उनको छोड़कर बचे हुए दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। दूसरा आप लोग याद रखना, बचे हुए भागों का जो क्षेत्रफल होता है, ये अगर अपने पास तीन है और ये अपने पास चार है, तो ध्यान रखना इनके क्षेत्रफल अगर रेशियो 3:4 है तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो 9:16 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि अपने पास दो लाइन अगर पैरेलल हों, हमें पता है दो लाइन पैरेलल हो तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो एरिया का रेशियो वही होगा, जो भी कुछ दे उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो साइड का रेशियो अगर 3:4 है तो एरिया का जो रेशियो होगा वो अपने पास होगा 9:16। ये अपने पास पॉइंट नंबर 3 था। अब आप लोग देखो, इस प्रकार से एक क्वेश्चन, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है अपनी बुकलेट में वो मैं आपको करवाता हूँ। ये अगर है और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ जाएगा इस प्रकार से, ए बी और सी डी पैरेलल हैं और ये पॉइंट ई पर काट रही हैं, इस प्रकार से डायग्राम भी अपने पास लिखा हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है, ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ए बी और सी डी जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसको इससे मिला दिया जाए, इसको इससे मिला दिया जाए, और ये पॉइंट है ई, यहाँ पर पॉइंट मान लो ये ए है और ये बी है ना, कैसे भी मान लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लैंग्वेज में जो लिखा हुआ अपने पास यहाँ पर ए बी और सी डी पैरेलल हैं और ये पॉइंट ई है। इसने कहा चित्रानुसार ए बी समांतर है डी सी के, ए बी पैरेलल है डी सी के, यदि त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी डी ई, हमें जो गिवन है त्रिभुज ए बी ई ट्रायंगल ए बी ई का क्षेत्रफल, ए बी ई का क्षेत्रफल दिया हुआ हमें 16 और ट्रायंगल सी डी ई का जो क्षेत्रफल है वो हम लोगों को दिया हुआ है 25, देन फाइंड द एरिया ऑफ बी ई सी। क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ, कितने भी क्वेश्चन ऐसे बना सकते हो आप लोग, ध्यान रखो अभी भी जो पॉइंट पढ़ाया मैंने उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ। कभी भी इस प्रकार से अगर आ जाए दो पैरेलल लाइंस, कभी भी इसको इससे मिला दो, मान लो एक बार मिला दूँ, तो ध्यान रखना आप लोग, याद रखना जो दो लाइन अपने पास इस प्रकार से अपने पास ये दो लाइन जो पैरेलल हैं, पैरेलल वाले हिस्से को छोड़कर बाकी जो दो अनपैरेलल साइड्स के पास जो एरिया है वो हमेशा इक्वल होगा। तो ये एरिया अगर एक्स है तो ऊपर वाला क्षेत्रफल ये भी अपने पास एक्स होगा, आप लोग ध्यान रखना।
और दूसरा आप लोग ये याद रखिए, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 16 और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 25, इसका क्षेत्रफल 16 दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल 25 दिया हुआ है। तो ध्यान रखना इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, अक्स स्क्वायर बराबर होगा 16 × 25, तो अक्स का जो मान होगा वो होगा 4 × 5 और 4 × 5 क्या अपने पास 20 आ गया क्या, तो आंसर हो जाएगा 20। यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। अब कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा आएगा कि सर इनका गुणनफल आपने बराबर कैसे कर लिया, ये इंटू ये और ये इंटू ये बराबर कैसे कर लिया, वो पॉइंट तो मैं अभी एक सेकंड में ही आप लोगों को समझा दूंगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग याद कर लीजिए, इन दोनों का गुणनफल हमेशा इन दोनों के गुणनफल के हमेशा बराबर होता है, चाहे कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल आ जाए। और शुरुआत वाला अगर आपने लेक्चर देखा होगा मेरा क्वाड्रिलेटरल का, चतुर्भुज का, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद होगा कि इन दोनों का गुणनफल हमेशा इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। वो तो मैं पहले भी समझा चुका हूं, आज का वीडियो अगर कोई देख रहा है तो आज भी मैं समझा दूंगा, लेकिन आप लोग ये याद रखना कि जब अनपैरेलल साइड्स को छोड़ दो, जरूरी नहीं हमेशा डायग्राम ऐसे आए, अनपैरेलल साइड्स को अपने पास पैरेलल साइड्स को छोड़ दो, अनपैरेलल साइड्स के पास जो दो लाइन अगर पैरेलल है क्वाड्रिलेटरल की, तो अनपैरेलल साइड्स वालों का एरिया हमेशा बराबर बराबर होगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला पॉइंट, ये इनका क्षेत्रफल अक्स स्क्वायर बराबर 16 × 25 कैसे लिख दिया वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, वैसे तो मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ आज का वीडियो अगर देख रहा है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे आया। देखिए, ये है ए बी सी और डी। अगर यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ पर मिला दिया जाए और इसको यहाँ से यहाँ पर मिला दिया जाए, तो ये अपने पास पॉइंट है ओ, ये अपने पास पॉइंट ओ है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में आपको एक चीज़ ध्यान रखना, चतुर्भुज में आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ, ये वाला पॉइंट पहले पढ़ा चुका हूँ, तो आज की क्लास में मैं लास्ट में करवाऊँगा इसको, इस दोनों का क्षेत्रफल। ये अपने पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये अगर A4 है, और A4 और A2 तो बराबर होगा, ध्यान रखना। तो A1 into A3 बराबर होता है A2 into A4 के, बराबर क्यों होता है वो आज की क्लास में मैं लास्ट में समझाऊंगा। अगर किसी ने क्वाड्रिलेटरल वाला मेरा वीडियो देखा है तो उसको समझ में आ गया होगा, नहीं देखा तो आज लास्ट में देख लेना, और जिसने देख लिया है तो लास्ट में फिर इसको सबसे लास्ट में समझाऊंगा, इसको देख के फिर आप लोग पहले ही उसको वीडियो को कैंसिल कर देना, तो लास्ट में समझाता हूँ। उससे पहले कुछ और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये A1 into A3 बराबर A2 into A4 कैसे आया, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, जिसने देख लिया है वो आप लोग इस वीडियो को उसके बाद मत देखना, टाइम वेस्ट मत करना, और जिसने नहीं देखा है वो समझ लेना। देखो अगला पॉइंट देखना आप लोग, ये आप लोग ध्यान रखना, कोई भी अपने पास A B C और D, ये A है, ये B है और ये C है और ये अपने पास D है, A B C और D, कोई भी ट्रेपेजियम है, कोई भी समलम चतुर्भुज जिसकी दो साइड तो पैरेलल हो और दो साइड पैरेलल नहीं हो, ध्यान रखना इसके मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, अनपैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ई और एफ, अनपैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन की लेंथ होती है ई एफ जो होता है वो हमेशा पैरेलल साइड्स के सम का आधा होता है, ए बी प्लस सी डी के आधा होगा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये भी आप लोग याद रखना कि अगर कभी भी दो साइड अपने पास ट्रेपेजियम जो है उसके दो साइड तो पैरेलल होंगी और दो साइड अनपैरेलल होंगी, एक चीज़ ध्यान रखना अपने पास इसके जो डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स हैं, ये इसका मिड पॉइंट अपने पास ई है और इसका मिड पॉइंट एफ है, याद रखना ये जो ई और एफ है ये इसका मिड पॉइंट नहीं है, ए ओ का मिड पॉइंट नहीं है, ये डायगोनल का मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट है, तो इस लाइन की जो लेंथ होगी डायगोनल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ ई एफ जो होगा वो दोनों पैरेलल साइड्स के डिफरेंस की आधी होती है। पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ दोनों जो अपने पास ये हैं उनके सम की, दोनों पैरेलल साइड्स के सम की आधी होगी, और डायगोनल्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ होती है वो दोनों पैरेलल साइड्स के डिफरेंस की आधी होती है, दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। और मेरा पढ़ाने का तरीका ये आपको पता है कि हमेशा और हमेशा जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ क्यों, जिससे क्यों क्यों बताता हूँ, जैसे मैं ये बता के निकल गया और सूखा आप लोगों से नहीं रटा जाएगा, सूखी चीज़ें नहीं रटी जाती, मैं आप लोगों को जब भी पढ़ाता हूँ हमेशा क्यों बताता हूँ, इस पर जैसे ही 2 या 3 मिनट दूंगा ना और लगातार इस वीडियो के साथ रहोगे तो 3 या 4 मिनट ये दिमाग में रहेगा आपके कि पैरेलल साइड्स के सम का आधा होता है, ये याद रहेगा पैरेलल साइड्स के डिफरेंस का आधा होता है, और 3 या 4 मिनट कोई चीज़ अगर दिमाग में रहेगी तो वो आपके हमेशा के लिए याद हो जाती है। इसीलिए मैं हर पॉइंट का क्यों बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सही, और आप लोग क्वेश्चन का अगर घुमा कर भी
भी क्वेश्चन आए या उससे रिलेटेड और क्वेश्चन बने या उस पर अगर और अप्रोच आए तो भी आप लोग कर पाओ, तो कोशिश करता हूँ पहले पहले वाला पॉइंट समझाता हूँ और फिर बाद वाला पॉइंट आपको समझाता हूँ। देखिए, और फिर कैसे क्वेश्चन बन सकता है इस पर वो भी मैं समझाता हूँ। अच्छा पॉइंट, ट्रेपेजियम आप लोग कंप्लीट पढ़ना, यहाँ से इस वीडियो से ट्रेपेजियम जो है उसको आप लोग कंप्लीट पढ़ना, ताकि आपके दिमाग में ये नहीं रहे। कई बार तो ऐसे लगता है कि आप लोगों को कि कितनी थ्योरी बच गई, पता नहीं कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। इसी चीज़ के लिए मैंने एक YouTube चैनल की शुरुआत की है, जो भी लेसन मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मैं आपको कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं, उसका कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बचेगा जो मैं आप लोगों को नहीं बताऊं इस चैनल पर। ऐसे नहीं होगा कि आधी चीज़ें मैंने रख ली, आधी चीज़ें आपको डिलीवर कर दी, सारे के सारे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं। बस आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना हमेशा, और साथ साथ नोट्स मैं हमेशा जोड़ देता हूँ, नोट्स आप लोग बनाते चलना। इसका मिड पॉइंट ई है और इसका मिड पॉइंट एफ है, तो यहाँ पर समझिए और इस पर बेस्ड और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ध्यान रखना, यहाँ से अगर मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इसके हमेशा पैरेलल होगी, याद रखना इसको इससे अगर मिला दें, इसको इससे मिला दें और ये पॉइंट मान लो ओ है, ये वाली साइड x मान लीजिए, ये वाली साइड y मान लीजिए, ये x मान ली, ये y मान ली। तो अब ध्यान देना, ये जो अपने पास E से O तक होगा, ट्रायंगल ADB की बात कर रहा हूं मैं, ट्रायंगल ADB में, ट्रायंगल ADB की बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल ADB में E से O तक जो है E जो होगा वो हाफ ऑफ AB होगा। आपको याद होगा मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमेशा तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, तो ये इधर वाला मिड पॉइंट है और पैरेलल लाइन है, तो इधर भी अपने पास मिड पॉइंट होगा। पैरेलल लाइन कैसे प्रूव करोगे, दो लाइन अगर पैरेलल हैं, ध्यान दो, किसी को लगे कि सर मिड पॉइंट को मिलाते पैरेलल कैसे लिख दिया आपने, हर चीज़ मैं बताता हूँ आपको, इसलिए लिख दी क्योंकि आप एक काम करो, आसान भाषा में अगर समझना है तो ये लाइन अगर दोनों पैरेलल हैं तो सेम लाइन यहाँ से इस वर्टेक्स से सेम लाइन लेंथ हम लोग ये बना सकते हैं, ये अगर पैरेलल है दोनों तो यहाँ से जैसे ये लाइन है उसी लेंथ की ये लाइन बना सकते हैं। और मुझे बताओ ये रेशियो अगर 1:1 है तो अपने पास ये भी सेम लाइन हुई तो रेशियो 1:1, और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है तो ये पूरी पैरेलल प्रूव होगी। यहाँ से हटाकर हम लोग इस लाइन को इससे बना दें तो एक ट्राइंगल बन जाएगा और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी अगर समान अनुपात में बांटने वाली कोई लाइन है तो उसके पैरेलल होगी। तो EO की लेंथ हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ AB, AB को अक्ष माना है या ऐसे ही पड़ा रहने दो, और इस ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल CBD में, ट्रायंगल CBD में हम लोग क्या लिख सकते हैं, CBD में लिख सकते हैं हम लोग FO बराबर हाफ ऑफ CD। और अगर आपको E से F तक की लेंथ चाहिए तो EO प्लस OF को दोनों को ऐड करना पड़ेगा, हाफ ऑफ AB प्लस हाफ ऑफ CD, तो इसकी जगह तो हम लोग लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं EF और इसकी जगह लिख सकते हैं हाफ ऑफ AB प्लस CD। और यही मैंने आप लोगों को लिखवाया है कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ होती है वो पैरेलल साइड्स के सम की आधी होती है। ये पॉइंट तो आप लोगों को याद रखना ही रखना है। एक क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है इसमें वो देखिए आप लोग। मैंने कहा ट्रेपेजियम जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग अच्छे से समझना। ट्रेपेजियम जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग सभी लोग अच्छे से समझना। और जो भी मैं कुछ ये समझा रहा हूँ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते चलो, क्योंकि चार महीने बाद आपको ये वीडियो याद नहीं रहना, चार महीने बाद या पाँच महीने बाद या छः महीने बाद जब एग्जाम होगा तब आपको अपने नोट्स याद रहने हैं। तो साथ साथ जो भी चीज़ें मैं लिखूँ, अभी आपको ऐसा लगता होगा कि अरे ये तो मुझे आती है, अरे ये तो मुझे आती है, लेकिन एग्जाम में इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी कि वो सारी की सारी मिक्स हो जाएंगी, इसलिए याद अगर लिख लिया एक बार तो वो फिर सेपरेट रहती हैं। देखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो एक तो मिड पॉइंट वाला तो आएगा ही आएगा, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो आसान सा मैं अगर करवाना चाहूं आपको एक बार, लेकिन वो करवा नहीं रहा, वैसे मैं बता देता हूं, ये 8 आ गया, ये 4 आ गया, ये इसका मिड पॉइंट है ई और ये इसका मिड पॉइंट है एफ। कोई कहेगा ई एफ की लेंथ बताओ, तो ई एफ की जो लेंथ होगी वो दोनों के पैरेलल साइड्स की सम की आधी हो जाएगी, 8 + 4 = 12 और 12 की आधी आगे 6। लेकिन ये नहीं समझा रहा हूं मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर समान अनुपात में बांटने वाली कोई लाइन कभी आ गई E और F, इस प्रकार से ये पॉइंट E है और ये पॉइंट F है, जो मान लीजिए इसको 4:7 के रेशियो में डिवाइड करता है, ऐसा मान लो ये ऊपर 4 है और ये 7 है, ये 4 है और ये 7 है, और अपने पास इस प्रकार से कहेगा AB जो है वो ट्वाइस ऑफ CD है,
तो EF की लेंथ बताओ और CD के फॉर्म में देगा चारों ऑप्शन। हमें पूछेगा कि आप लोग EF की लेंथ बता दीजिए और चारों के चारों जो ऑप्शन हैं वो CD की फॉर्म में दिए हुए होंगे, EF की लेंथ पूछिए और CD की फॉर्म में दिए हुए होंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, समान अनुपात में, मैंने एक वैसे एक रैंडम कोई भी क्वेश्चन ले लिया, 4:7 का ले लिया, अपने पास क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है 2:3 का आ जाए, ऐसा वैल्यू मतलब चेंज हो सकती है, ये ध्यान रखना आप लोग, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो सकता, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, वैल्यू चेंज हो सकती हैं, ध्यान रखना आप लोग। यहाँ से आप लोग एक काम करो, ये दोनों लाइन तो ट्रेपेज़ियम में तो पैरेलल होनी है ही, समान अनुपात में बांटने वाली कोई लाइन है तो ये भी इनके पैरेलल होगी, हमेशा और हमेशा होगी, याद कर सकते हो, क्यों होगी वो मैं बता चुका हूँ, इसके बराबर एक यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से अगर समझना है तो। तो ये 4:7 समान अनुपात में बांटने वाली लाइन तीसरी से पैरेलल होती है, ध्यान रखना आप लोग, तो ये इसके पैरेलल होगी हमेशा। अब आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन करने का तरीका जो होगा, आप लोग एक काम करो डी से बी को मिला दीजिए, इस क्वेश्चन को अगर आसानी से करना है तो इसका तरीका होता है आप लोग डी से बी को मिला दीजिए और ये जहां पर मिल रहे हैं उस पॉइंट को मान लीजिए ओ। तो मुझे बताइए ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो हम लोग ट्रायंगल डी ए बी में क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्या ट्रायंगल डी ए बी में आप लोगों को याद होगा पैरेलल लाइन अगर कभी भी है मिड, अपने पास पैरेलल लाइन होते ही दोनों के दोनों, ऐसा याद होगा आपको, एक तो ऐसे मिला दें पैरेलल लाइन से तो भी दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, और एक ऐसे पैरेलल लाइन बना दी जाए तो भी दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, ऐसा आप लोगों को पता होगा। तो देखिए ध्यान दो, डी ए बी में दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम लोग लिख सकते हैं छोटे वाले की साइड 4 अपॉन बड़े वाले की साइड 11, 4/7 मत लिख देना, छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड, छोटे वाले की साइड ई ओ अपॉन बड़े वाले की साइड ए बी, और ई ओ बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4/11 ए बी। ऐसे ही इधर वाले ट्रायंगल की बात की, बी की मैंने बात की, इधर वाले ट्रायंगल डी बी सी की बात करूं, उल्टा ट्रायंगल जो है डी बी सी की बात करूं तो लाइन पैरेलल है, पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो छोटे वाले की साइड यहां पर 7 है अपॉन बड़े वाले की साइड होगी 11, छोटे वाले की साइड ई एफ ओ एफ है अपॉन बड़े वाले की साइड होगी सी डी, तो ओ एफ बराबर हम लोग लिख सकते हैं 7/11 सी डी, छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड, छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड, हमें तो ई एफ पूछा है तो ई एफ का जो ई ओ और ओ एफ को अगर ऐड कर दें हम लोग तो ई एफ आ जाएगा, इधर ऐड किया तो इधर आप लोग ए बी की जगह ट्वाइस ऑफ सी डी क्वेश्चन में गिवन है, ये दिया हुआ है ए बी बराबर थ्राइस ऑफ सी डी या ऐसे हमें दिया हुआ मिलेगा, तो ए बी की जगह ट्वाइस ऑफ सी डी अगर रखोगे तो ये आ जाएगा 8 CD अपॉन 11 और ये 7/11 सी डी तो है ही, तो अपना जो आंसर आ जाएगा इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं, ई एफ लिख सकते हैं बराबर 15/11 सी डी, ये अपना आंसर है। इसी प्रकार से हम लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये इस फॉर्म में भी पूछ सकता है या ये इस फॉर्म में भी पूछ सकता है, ध्यान रखना ए बी की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, ए बी की फॉर्म में पूछे तो सी डी की जगह ए बी बाई 2 रख दो तो फिर अपना आंसर आ जाएगा 15/22 ए बी, तो वो अपना आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है, ये याद रखना ना पहला पॉइंट, अगर इसके कभी भी समान अनुपात में बांटने वाली लाइन हो तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं वो मैंने समझाया, और ये अगर मिड पॉइंट कभी हो तो उसके लिए याद कर लो कि पैरेलल साइड्स के सम का आधा होता है। अब डायगोनल्स के मिड पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं कैसे, देखिए अगर डायगोनल्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हो, मैं फिर समझाता हूं, देखिए ये कोई भी ट्रेपेजियम है, कोई भी समलंब चतुर्भुज है ए बी सी और डी, ये पॉइंट ओ पर मिलते हैं, ये अपने पास ए बी सी और डी इस पॉइंट ओ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मिड पॉइंट है मान लीजिए ई और इसका मिड पॉइंट है मान लीजिए एफ, हमें प्रूव करना है कि जो ई एफ होगा उसका जो लाइन की लेंथ होगी वो दोनों के डिफरेंस की आधी होती है, ई एफ बराबर होता है अपने पास हाफ ऑफ ए बी माइनस सी डी, कैसे मैं समझाता हूँ, एकदम आसान है, एकदम आसान,
ये यहां से इसको मिला दो, मिड पॉइंट्स हैं इसके पैरेलल, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इस ट्रायंगल की मैं बात करूं ए ओ बी की तो पैरेलल होगी, और मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन अगर खींच दी जाए कभी भी, ये इसका मिड पॉइंट है, पैरेलल लाइन खींच दी जाए तो इसके भी मिड पॉइंट पर मिलता है और ये पॉइंट मान लो के पर मिल रहा है। तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं ए डी बी की बात करूं, मैं ट्रायंगल ए डी बी में ध्यान देना सभी लोग, ट्रायंगल ए डी बी की बात अगर की जाए, ट्रायंगल ए डी बी की अगर बात की जाए ए डी बी की, तो याद रखना मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है के एफ जो होगी उसकी जो लेंथ होगी वो दो अपने पास हाफ ऑफ ए बी होगी। पहले मैं बात कर रहा हूं, देखो कॉन्सेप्ट समझना, मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया, फिर भी बहुत सारी चीजें आपके समझ में नहीं आई, ये मुझे पता है, आपको लग रहा है कि समझ में आ गया। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, हर चीज मैं आपको समझाऊंगा कि मिड पॉइंट क्यों हुआ। ए ओ बी ट्रायंगल की बात करूं, अपने पास बड़े वाले का लिए मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो रेशियो सेम होगा हमेशा, सिमिलरिटी से रेशियो सेम होते ही ये होगी इसके पैरेलल, सिमिलरिटी हम लोग लगाएंगे तो इनका रेशियो सेम है तो बचे हुए का भी रेशियो सेम होगा, तो दोनों पैरेलल। ये अपने पास इस ट्रायंगल की बात करूं तो मिड पॉइंट से इधर अगर पैरेलल लाइन खींची जाए, इसके पैरेलल लाइन अगर खींचे तो इसके भी मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी, और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ होती है ट्रायंगल ए डी बी की मैं बात करूं, ए डी बी में इस ट्रायंगल में, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी होगी और उसके पैरेलल तो होती है। अब मुझे बताइए ऊपर वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात कर दूं, इस इधर वाले को छोड़ दो, ए सी डी की अगर मैं बात करूं, ट्रायंगल ए सी डी की, ट्रायंगल ए सी डी की अगर मैं बात करूं तो अपने पास मिड पॉइंट और मिड पॉइंट, इधर वाले ट्रायंगल को आप भूल जाओ, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो अपने पास के ई जो होगी वो अपने पास होगी हाफ ऑफ सी डी, और अगर हमें ई एफ की लेंथ चाहिए तो आप लोग एक काम करो के एफ में से के ई माइनस कर दो, के एफ में से के ई माइनस कर दो, के एफ में से के ई माइनस कर दो, तो हाफ ए बी माइनस सी डी, और इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं ई एफ लिख सकते हैं, और यही हमें प्रूव करना था ए बी माइनस सी डी, ये अपना आंसर है। दूसरा एक और तरीका अपने पास हो सकता है, इसको काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, इसको प्रूव करने का एक और तरीका ये भी हो सकता है कि आप लोग एक काम करो कि यहाँ से इसके पैर, यहाँ से एक लाइन खींचो जो ई को मिले और आगे बढ़ा दो। तो दूसरा तरीका अपने पास ये भी हो सकता है, देखो मैं समझाता हूँ आपको, दूसरा तरीका अपने पास ये भी हो सकता है कि यहाँ से अपने पास ये वाली साइड अगर x है कंप्लीट और ये वाली साइड अगर y है, तो आप लोग यहाँ से अगर हम लोग एक लाइन खींच लें तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल अपने पास, सॉरी ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण बराबर होते हैं, और ये अपने पास इसका मिड पॉइंट है, एक बार समझने के लिए ये अपने पास ई जो है वो मिड पॉइंट है, तो अपने पास ये इसके बराबर, तो ध्यान देना आप लोग ए ए एस से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, ये एंगल इसके बराबर क्यों, हमने एक लाइन खींची इस प्रकार से जो मान लो पी पर मिल रही है, ये दोनों एंगल इसलिए बराबर, लाइन पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल, जब भी जेड बन रहा हो पैरेलल लाइन से एकांतर कोण बराबर, यहाँ भी जेड बन रहा है पैरेलल लाइन से तो ये इसके बराबर, और ये साइड इसके बराबर इसलिए क्योंकि ई मिड पॉइंट गिवन है, तो ये वाली अगर ए ए एस से सर्वांगसम हो गया तो ये वाई है तो ये भी वाई, तो टोटल एक्स था ये इधर वाला, यहाँ से यहाँ तक अगर वाई बचा तो अपने पास बाद वाला इधर वाला जो बचा ये अपने पास बच गया एक्स माइनस वाई, टोटल एक्स था इधर वाला वाई तो एक्स माइनस वाई, और ये भी मिड पॉइंट है, तो ये जो है अपने पास मिड पॉइंट, ए भी मिड पॉइंट है और एफ भी मिड पॉइंट है यहाँ पर, इसके लिए इस ट्रायंगल पी डी बी में दोनों मिड पॉइंट हैं, तो ये एक्स माइनस वाई है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ होती है वो तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, ये हमें पता है। मिड पॉइंट अगर हैं तो ये एक्स माइनस वाई हम लोग देख चुके हैं, मिड पॉइंट्स अगर हैं तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होगी। तो आगे चलते हैं, अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आप लोगों के लिए, और एक छोटा सा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, ये इसके जस्ट बाद मैं आपके लिए सर्किल की शुरुआत करूँगा, क्वाड्रिलेटरल जैसे ही कंप्लीट होंगे, और क्वाड्रिलेटरल का जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और एक अपने पास चक्रीय जो चतुर्भुज है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और बाहर की तरफ अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है उसको मैं सर्किल में ही पढ़ाता हूँ, तो दो क्वाड्रिलेटरल जो बचे उनको मैं सर्किल में ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो अभी घबराना नहीं कि सर वो दो साइक्लिक बच गया ये बच गया, घबराना नहीं, सारा सब कुछ मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, तो ध्यान दीजिए आप लोग।
एक बात ध्यान रखना, ये मैं अभी एक बार बता रहा हूँ क्यों होता है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, एक बार मैं सिखा रहा हूँ इसको आप लोगों को, कि हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी सर्किल के बाहर से अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी सर्किल के बाहर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, बाहर कोई भी अपने पास चतुर्भुज है, तो ध्यान रखना ए बी प्लस सी डी अपोजिट साइड्स का सम अपोजिट साइड्स के सम के बराबर होता है, और ए की जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल होती है, ये आप लोग ध्यान रखना। क्यों इक्वल होती है, ये क्यों बराबर होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं सर्किल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना, इस पॉइंट को आप लोग याद रखना। तो अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूँ, ध्यान दीजिए। ये दोनों चीज़ें याद रखना ताकि क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आए, ट्रेपेजियम का और बाहर अंदर की तरफ सर्किल खींचा उसका मिक्स करके क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम एंड इनर सर्किल टच इट्स ऑल साइड्स, रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर एंड ए बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपके लिए क्वेश्चन बोल दूंगा आप लोग, और बाद में ये लिखे हुए मिल ही जाएंगे आपको, तो ज़्यादा टाइम लगाने के बजाय मैं आपका डायग्राम इसके लिए बनाता हूँ। इस प्रकार से इसने कहा है कि एक अपने पास ट्रेपेजियम है जिसके अंदर की तरफ एक सर्किल जो इसके तीनों साइड्स को टच कर रहा है इस प्रकार से, और इसका नाम दिया है इसने ए बी सी और डी, ये कौन राइट एंगल दिया हुआ है और ये ट्रेपेजियम है, ये दोनों साइड अपने पास पैरेलल दी हुई है, इसकी रेडियस हम लोगों को दी हुई है 2, इसकी रेडियस दी हुई है 2 सेंटीमीटर, रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ए बी पैरेलल सी डी और बी सी डी एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90, एक तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और साथ ही ये दिया हुआ है कि ए बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, और ये भी दिया हुआ है कि अपने पास रेडियस इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, और ये भी दिया हुआ है ए बी पैरेलल है सी डी के, पैरेलल है सी डी के, जो गिवन है वो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी और डी, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है जिसके अंतर्वर्त इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, वृत्त की त्रिज्या अगर 2 सेंटीमीटर है, समलम चतुर्भुज की एक भुजा ए बी 2 है, एंगल बी सी डी अपने पास समकोण है, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। अब देखो, जब भी मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दूं, मैंने हमेशा कहा आप लोग वीडियो पॉज करके उसको करने की कोशिश क्या करो, ये अपने पास ए से बी तक इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर ए बी, रेडियस दी हुई है 2 सेंटीमीटर, ये कोण 90 डिग्री, और ये दोनों पैरेलल हैं तो ये 90 होगा, तो ये भी 90 होगा, क्यों? क्योंकि अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, इंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है, तो ये 90 हो गया, तो ये भी अपने पास 90, और ध्यान देना है दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, इसको इससे मिला दिया जाए तो ये अपने पास रेडियस होगी, यहाँ से यहाँ तक 2 है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, क्यों? स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच बना कोण हमेशा समकोण क्यों होता है, सर्किल में मैं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट पॉइंट सर्किल ही पढ़ाने वाला हूं इसके बाद, उसमें मैं बता दूंगा। तो ये 2 और 2 4 और 90 डिग्री 90 डिग्री, तो रेक्टेंगल बन गया, तो ये भी अपने पास होगा 4 सेंटीमीटर। आप लोग यहाँ से यहाँ तक ये अगर 2 है तो ये भी अपने पास 2 सेंटीमीटर होगा रेडियस, और ये अगर 2 है तो ये भी कितना होना है 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ये 3 था और अपने पास यहाँ से देखिए इसको मिलाते हैं, अलग कलर में दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आए, यहाँ से यहाँ तक 3 था तो हम लोग इस पर अगर एल्टीट्यूड डाल दें, यहाँ से परपेंडिकुलर अगर डाल दें ये 90 डिग्री, तो ये अगर 3 है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 3 होगा, और आप लोग ध्यान देना ये अगर 2 है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, तो ये टोटल 3 था, ये 2 है तो ये होगा 1 सेंटीमीटर, और ये आपको पता है एक ही जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी अपने पास 1 सेंटीमीटर होगा। इसको यहाँ से यहाँ तक को अगर मैं अक्स सेंटीमीटर मान लूँ, यहाँ से यहाँ तक अगर इस टेंजेंट को अक्स मान लूँ, तो ये टेंजेंट भी अक्स होगी, ये टोटल अपने पास 3 है, ये 2 है, ये 1 सेंटीमीटर बचा, तो ये इधर वाला बचेगा अक्स माइनस 1 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल अपने पास कितना है, टोटल कितना है 3, यहाँ से यहाँ तक 3 है, ये अक्ष अपने पास ये 2 है, टोटल 3 यहाँ से यहाँ तक 3, ये 2 क्योंकि रेडियस 2 है तो इधर बचा 1, ये टोटल अक्ष था क्योंकि एक की जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर, इधर 1 है तो अक्ष माइनस 1, और ये रेड वाला ये 4 है, ये 2 और 2 ये 4, तो हम लोग इस ट्रायंगल में लिख सकते हैं अक्ष प्लस 90 डिग्री के सामने कर्ण, लिख सकते हैं अक्ष प्लस 1 का स्क्वायर बराबर अक्ष माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर,
इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस 16। एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन कट गया, ये इधर आएगा, तो फोर एक्स इक्वल्स टू अगर 16 बचा तो एक्स की वैल्यू होगी 4। ध्यान देना, अक्स की वैल्यू अगर 4 हो गई अपने पास, हमें इसका मान निकालना है, क्योंकि इसके एरिया का फॉर्मूला, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्षेत्रफल कहाँ से कैसे आया वो मैं आपको समझाऊंगा मेंचुरेशन में, अभी याद कर लो या याद होगा आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो, नहीं याद तो सुन लो, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके मध्य की दूरी, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो समांतर भुजाएं निकालनी है तो अक्स माइनस वन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3, क्योंकि अक्स की वैल्यू 4 है, तो ये 1 माइनस करोगे तो 3। यहाँ तक अपने पास पहले से ही ये, यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, तो ये 3 है ना पहले से ही, ये अपने पास 3 है यहाँ से यहाँ तक, ये 3 और ये 3, तो ये हो गया 6, ये हो गया 3 और बीच में डिस्टेंस है 4 की, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 6 प्लस 3। पैरेलल साइड्स का जो सम होगा वो अपने पास 3 तो ये रहा और 3 ही अपने पास आगे की तरफ, तो टोटल 6 प्लस 3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस 4 है, तो 2 से कट गया 2 बार और अपने पास 9 × 2 आंसर आ जाएगा 18 cm², ये अपना आंसर है और ये ऑप्शन में भी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सही क्वेश्चन है, आप लोग अगर इसको देखने से पहले अगर सोल्व करते तो आपको खुद को पता लगेगा कि हाँ एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। वीडियो को वापस देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, कंप्लीट मैंने समझाया आपको, और इसको एक बार वापस से देखना और करने की कोशिश करना, मैं वापस से नहीं समझा रहा हूँ अभी, खुद ही देख लेना वापस, है ना। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट में मैं बता दूंगा कि A1 इंटू A3 बराबर A2 इंटू A4 क्यों होता है, वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये A है, B है, C है और D है, इसको इससे मिला दिया जाए और इसको इससे मिला दिया जाए, तो ये वाला कोण अगर थीटा होगा तो ये वाला कोण होगा 180 − थीटा, तो ये कोण थीटा होगा तो ये भी होगा 180 − थीटा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये वाली साइड आप लोग मान लो ए है, ये वाली साइड मान लीजिए आप लोग ए है, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड मान लो बी है, ये मान लीजिए सी है और ये मान लो डी है। किसी भी ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ए इंटू बी, और बीच का कोण लेते हैं साइन में, दो साइड्स का प्रोडक्ट इंटू बीच का कोण हमेशा साइन में लेते हैं। तो आप लोग इसको अगर मानते हो ए वन, इस वाले भाग को ए वन, इस वाले भाग को ए टू, इस वाले भाग को ए थ्री और ये मानते हो ए फोर, और पता है आपको ए टू बराबर होता है ए फोर के, जिसने ये चीज़ें मेरी देख ली हैं क्वाड्रिलेटरल में वो इस वीडियो को यहाँ बंद कर दो, बस इतना ही है आपके काम का। और साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो इसको ऑन रखो और चलते रहने दो। तो A1 का जो साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, क्यों ट्रिग्नोमेट्री में समझ में आएगा, पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ज्योमेट्री, फिर आपको पढ़ाऊंगा मेंचुरेशन, उसके अगला चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री, अपने आप समझ में आ जाएगा, यहाँ रट लो, यहाँ याद कर लो, रट लो इस चीज़ को। तो अपने पास A1 का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, A2 का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू साइन 180 माइनस थीटा का मतलब साइन थीटा, साइन ये 180 माइनस थीटा ए इंटू बी और यहाँ 180 माइनस थीटा आएगा, लेकिन 180 माइनस थीटा की जगह साइन थीटा। A3 का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हाफ इंटू सी इंटू डी इंटू साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा लेकिन उसकी जगह साइन थीटा। और A4 का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हाफ इंटू ए इंटू डी इंटू साइन थीटा। अब आप A1 और A3 को इंटू करो, A1 व A3 को जब इंटू करोगे तो A1 इंटू A3 जब आप लोग करोगे तो आएगा हाफ ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और आप लोग जब A2 इंटू A4 भी अगर इंटू करोगे तो ये आना है हाफ इंटू ए इंटू कर लो बी सी ए और डी, तो ए बी सी और डी इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों ये भी अपने पास सेम आ गया, ये भी अपने पास सेम आ गया, तो A1 इंटू A3 बराबर A2 इंटू A4, और A2 बराबर A4 क्या होता है ये मैंने पहला पॉइंट आप लोगों को समझाया था।
तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ये ट्रेपेजियम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, तो आप लोग इन चीज़ों को याद रखना, इनको ध्यान से देखना, साथ साथ नोट्स बनाना, और आपको अगर सही लगे वीडियो तो आप लोग शेयर ज़रूर करना। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी की चीज़ें और कमेंट तो आप लोगों को करनी ही है। बाकी की चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल शाम को 6 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।